अस्सलाम वालेकुम, मैं एक भाई के साथ हूँ इस वक्त। ये पिकअप चलाते हैं पाकिस्तान बलोचिस्तान से। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे साथ बात करें कि यहाँ पे कैसे आए, कैसे जॉब मिली और यहाँ पे कैसे कैसे जॉब्स मिल सकती हैं। तो बासित भाई, आप बताएं आप कब यहाँ पे आए और कैसे लाइसेंस लिया, जैसे अब आप गाड़ी चला रहे हैं, और यहाँ पे कैसी जॉब्स हैं, नहीं है, क्या करना चाहिए लोगों को, इस बारे में जरा बताएं। पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, कब आए, कैसे किया काम, आजकल क्या कर रहे हैं। अभी इधर 4 साल हो गए। 4 साल हो गए जी। हाँ, पहले आया तो मैंने लाइसेंस ले लिया। ठीक है। अबू मेरे इधर है। अच्छा, अबू की वजह से सपोर्ट मुझे। कौन सा वीज़ा लिया था आपने? ट्रांसपोर्ट का वीज़ा लिया। ट्रांसपोर्ट का वीज़ा लिया था। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का वीज़ा है। उस पर फिर आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। कितने महीनों में ले लिया? मैं तकरीबन 2 महीने में ले लिया। 2 महीने में ले लिया। कितना खर्चा आ गया आपका उसमें? मेरे उस टाइम तो 8,000 से आ गया। 8,000। 4 साल पहले जी। ठीक है, 7-8,000 आ गया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अपना कारोबार है, अपना अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। ये पिकअप चलाते हैं आप? जी हां, ये पिकअप चला रहे हैं। ये पिकअप है, इसमें अपना ही कारोबार है। अच्छा, हिसाब किताब। अच्छा जी हाँ। तो महीने का माशाल्लाह कितना कमा? महीने का सब मत बताओ कि कितना ज्यादा, लेकिन कम से कम कितना है कि एक बंदा बना लेता है? अगर दिल से बंदा काम करे तो 3,000 से ज्यादा होता है उसका। 3,000-3,500 से ज्यादा खर्चा निकाल के। खर्चा वर्चा निकाल के अपना। ठीक है जी। और गाड़ी बैंक पे लिया हुआ है। बैंक से लिया हुआ है गाड़ी। 2 साल उसका भी पूरा हो गया है। 2 साल पूरा हो गया। कितने साल का इंस्टॉलमेंट है? 4 साल का है अभी। यानी कि आप साल बचा हुआ। अच्छा, फिर बैंक से गाड़ी कैसे लेंगे? बैंक से गाड़ी वो जो ट्रांसपोर्ट का हमारा जो वीजा है वही हमें लेके दिया। अभी इंशाल्लाह 2 साल तो खत्म हो गया है, अभी 2 साल बचे हुए। 4 साल का यानी कि आपका इंस्टॉलमेंट है? जी हाँ। अगर 4 साल में ऐसे समझो 4 साल के बाद 40,000 करेगा या 50,000 करेगा, ये हमारा प्रॉफिट है। सब प्रॉफिट है, सब प्रॉफिट है अपने से जी। तो अभी जो आपने 3-4 हज़ार बताया, ये इसका जो 1 महीने का जो इंस्टॉलमेंट है वो निकाल के खर्चा बता रहे हो आप, कितना बंदा कमा लेता है? अगर इसके साथ अगर हमारा 2,000 हमें बचता है, 2,500। ठीक है जी हाँ। अच्छा, मुझे बताओ, जैसे मैंने ट्रांसपोर्ट का वीजा ले लिया, लेट सपोज, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का वीजा ले लिया और अब मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ इसी तरह की, तो इसका क्या प्रोसीजर होगा? बैंक से मैं कैसे गाड़ी लूंगा? वो कंपनी खुद आपको करवा के देगा। वो जो ट्रांसपोर्ट का वीजा है, वही बगैर डाउन पेमेंट का मिलते हैं। बगैर डाउन पेमेंट के? बगैर डाउन पेमेंट के मिलते हैं। आपके पास बस लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस होना चाहिए, एक इन्फॉर्मेशन है। नया बंदा है तो लाइसेंस नहीं है। बिल्कुल। वो तुम्हें लाइसेंस का पेपर भी देगा। ठीक है, तुम अपना लाइसेंस ले लो। एनओसी देगा, उसका पेपर देगा। एनओसी देगा, पेपर्स देगा, तुम जाके लाइसेंस के लिए अप्लाई करो। तो ये तो बड़ी काम की बात है। मैं आपकी बात, सॉरी, बात काट रहा हूँ। ये तो इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप सिर्फ 8,000 या 10,000 अगर आपके पास है दिरहम, या किसी तरह से अरेंज करें, यहाँ पे आ जाए, ट्रांसपोर्ट का वीजा ले लें और उसके बाद लाइसेंस ले लें, लाइसेंस के बाद आप बैंक से उसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के थ्रू गाड़ी ले लें, अपनी मजदूरी करें, अपना काम करें और अपना भी कमाए, गाड़ी का भी उतारते रहें, और 4-5 साल बाद तो सॉलिड आपकी कमाई होगी, कोई बैंक को पैसे नहीं देने होंगे। अच्छा, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इंडिया और पाकिस्तान से जो लोग हैं उनको, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर उनकी तालीम नहीं है तो उनको यहाँ आना चाहिए, यहाँ पर रोजगार है? जैसे लेट सपोज वो मैट्रिक फेल है या मैट्रिक पास है। हम खुद मैट्रिक फेल है। हाँ, मैट्रिक फेल हो, लेकिन माशाल्लाह भाई बहुत समझदार है। मैंने भाई से एड्रेस वगैरह पूछा, मुझे काफी जगहों का एड्रेस पता नहीं था। अगर दिल से बनना काम करे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए हर चीज। अच्छा चलो, यानी कि आप ये कहते हैं कि जो मैट्रिक फेल है या पास है, जिनकी ज्यादा एजुकेशन नहीं है, उनके लिए दुबई अच्छा है, यहाँ पे रोजगार कर सकते हैं, लेकिन तरीके से, तरीके से, एजेंट वगैरह से बच बुझ के। ठीक है, ऐसे नहीं ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में और बनाने के चक्कर में बंदा अपने पैसे लुटा दे। अच्छा, ठीक है। तो अभी अगर लेट सपोज मुझे कोई मैसेज करता है बासित भाई कि हमें ट्रांसपोर्ट का वीजा चाहिए, तो आप उसकी हेल्प करा सकते हैं? अगर मैं आपको उसके डॉक्यूमेंट्स और वो पैसे वगैरह फॉरवर्ड कर दूंगा तो आप करा लेंगे उसकी हेल्प? इंशाल्लाह। चलो, ये तो अच्छी बात है। बासित भाई माशाल्लाह, मैं उनको आज ही मिला, मेरे फ्रेंड इसको जानते हैं और ही इज वेरी समझदार एंड वेरी क्लेवर। ठीक है, अभी वो कॉल भी पिक करेंगे, अपने किसी बंदे से बात करेंगे। एनीवे, तो बताने का पर्पज़ ये कि अगर आपके पास ज़्यादा एजुकेशन नहीं है और अगर आप इतने ज़्यादा पैसे नहीं है पाकिस्तान में, तो आप यहाँ पे आके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि बैंक से लोन पे कार लेके और गाड़ी लेके पिकअप लेके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं।